हाँ जी, किद्दा ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अ सैटरडे व्लॉग। थैंकफुली आज मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ हूँ। मैंने मेक श्योर किया फटाफट रेडी होके निकलूँ। आज थोड़ा सा इशू था, आज मेरा हेयर ड्रायर नहीं चल रहा था तो मेरी बियर्ड जो है उसे सूखने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो आज मेरी 50 जो है वो थोड़ी ज़्यादा देर तक आप लोगों को दिखेगी। तो आज जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचते ही मैंने मेक श्योर किया कि रेस्टोरेंट अच्छे से सेटअप कर दूँ, मेक श्योर करूँ गेस्ट्स को वेलकम करने के लिए रेडी होना चाहिए रेस्टोरेंट। और फिर उसके बाद मैंने मेरी कोल्ड कॉफ़ी चेरिश की। ऑफकोर्स एक्स्ट्रा आइस, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा ठंडी होनी ही चाहिए मेरी कोल्ड कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। और फिर उसी के साथ ही साथ मैंने मेरा ब्रेकफास्ट जो कि पोहा था वो चेरिश किया। एज आई टोल्ड यू गाइस कि मेरी 50 जो है आज थोड़ी ज़्यादा देर रहेगी क्योंकि आज मेरी बियर्ड सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। आज सुबह इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो इन्वर्टर पर हेयर ड्रायर नहीं चलता था, उसका इशू था। तो जैसे ही मैंने मेरी कोल्ड कॉफ़ी चेरिश की उसी के बाद हमारे ऑर्डर्स आना भी चालू हो गए थे। लंच थोड़ा ज़्यादा बिजी था आज तो लंच में थोड़ा टाइम लग गया। मेक श्योर किया मैंने आज के गेस्ट्स को जो है वो टाइम पे खाना मिले। ऑफकोर्स वो हर ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद थोड़ा पेपर वर्क था, आज 1st तारीख थे तो सैलरीज भी बनानी थी बहुत सारी हमारे स्टाफ की। तो सैलरीज बनाने के बाद फिर मैंने हमारी जो कुकिंग क्लासेस है उसके लिए थोड़े जो एडिटिंग करनी थी पिक्चर्स की, प्रोमोशनल स्टाफ की, तो वो कर रहा था मैं। उसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। और फिर साथ ही साथ मैं मेरा लंच भी चेरिश कर रहा था। आज लंच में ग्रीन दाल थी, हरे मूंग की, और चावल थे तो मैंने वो चेरिश किए। जीरा राइस थे आज तो एंजॉय किया मैंने मेरा लंच। उसी के साथ ही साथ हल्की सी इवनिंग, जैसे ही लाइट इवनिंग हो रही थी हमारा रश भी आना स्लोली स्टार्ट हो रहा था। ऑफकोर्स वीकेंड है तो अर्ली रश आना एक्सपेक्टेड होता है। और फिर जैसे ही सनसेट होने लगा हमारा रश जो था वो फुल हिट कर चुका था। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है शूटिंग करने का, वो सबसे बड़ा इशू होता है। ऑफकोर्स मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है या कोई और साथ हेल्पर नहीं है जो मेरा कैमरा हैंडल कर सके, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ता है कि ऑर्डर्स के साथ ही साथ बाकी सब कुछ जो काम चल रहा है उसी के साथ मुझे शूट करना भी पड़ता है। तो कभी कभार जैसे बिजी टाइम्स पे मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जोमैटो के ऑर्डर्स भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी था हमारा जोमैटो भी, और साथ ही साथ ऑर्डर्स भी कंटिन्यूसली चालू थे। कीओटीज की थोड़ी ज़्यादा लाइन लग रही थी एंड थैंकफुली फिंगर्स क्रॉस्ड नॉकिंग ऑन द वुड, मैं बहुत हैप्पी था कि आज एक और एक अच्छा डे गया हमारे रेस्टोरेंट के लिए। ऑफकोर्स डिनर टाइम और वीकेंड टाइम पे बिजी होता ही होता है। और साथ ही साथ क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई है तो लस्सीज के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ड्रिंक्स के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और फिर एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम होने लगा था तो मैंने थोड़ी सी वर्ल्ड कप के चालू होने के टाइम की मैचेस थी तो वो देख रहा था और मेरी कोल्ड ड्रिंक चेरिश कर रहा था मैं डाइट को। और फिर मैंने ऐसे मेरा वर्क डे एंड किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटिफुल पीपल, होप टू सी यू सून अगेन।